उसे देखा कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं उधर से दूसरी साइड से, तो देखते हैं ऐसे गुजर रहा, तो उसने सोचा कि मैं साइड में को निकल लूँ, कोने वाली गली में को निकल जाऊँ। जैसे वो वहाँ को निकला तो उसके पैर पे गोली लगी और वहीं गिर गया। उसने देखा रहा था वो रास्ते में जो हंगामा हुआ जी, उसके बीच उसके गोली लग गई जी, और कुछ लोगों ने उसको फुटपाथ से उठाया और हम तक पहुंचाया। फिर हम उसको चिकित्सालय ले गए, वहाँ जो मौजूद डीएम साहब हैं और एसपी साहब हैं उन्होंने उससे बातचीत की, उन्होंने उसे जो भी बताया जी। नज़दीक आ जाइए थोड़ा सा, अस्पताल में जो मेरे बच्चे से मुलाकात हुई, बच्चे ने मुझसे लिपट कर कहा कि पापा ये पुलिस मार देगी मुझे, पुलिस ने गोली मारी है, और इस तरीके से लिपट के रोता रहा जी। मैंने उसे समझाया कि नहीं बेटा, हम हैं तो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 21 तारीख को वहाँ से रेफ़र कर दिया, उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट कराया जी। फिर 20-25 दिन के बाद एक दरोगा साहब आए हमारे घर पे, उन्होंने हमें सिविल लाइन थाने बुलाया और उन्होंने हमें डराया धमकाया, कहा कि कहाँ थे तुम, मगर जी हम तो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे थे, कि तुम्हारे को भी जेल में ठोक दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी ठोक दूंगा, कहाँ थे आप, मगर जी हम तो ऐसे ऐसे इस तरह थे, जो हमारे साथ हो रहा है वो आपको भी पता है। और उन्होंने जो भी कुछ लिखा जी वो मुझे तो मालूम नहीं, और मेरे भाई से उन्होंने उस पर कुछ साइन करा लिए। जी और उसके बाद मेरे पास फोन, मीडिया के लोग यहाँ जो बात जो कह रहा है सिर्फ आप सुनिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जी, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, कोई वहाँ से कोई सवाल नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, प्लीज आप यहाँ पर्ची दे दीजिए जी। उसके बाद फोन आते रहे जी मेरे पे, आज भी फोन आया है कि थाने आइए, और आकर के हमारे पास आइए, और फिर उसके बाद चाहे लंदन जाइए या अमेरिका जाइए कहीं भी जाइए, ये हमें आज तक बोला जी उन्होंने। बच्चे की क्या है, बच्चे की तो जी पोजीशन में जी, अभी तो पोजीशन ऐसी है जी, जी साइन कराए जो बता रहे हैं साद आपके, जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। इनके जो लड़के हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बराबर में ही हैं, कपड़े की दुकान पे काम करते थे, और जैसे ही वो पता लगा कि ये प्रोटेस्ट होने वाला है, यहाँ पे दंगा वंगा होने वाला है मुजफ्फरनगर में, तो उन्हें जब ये बताया तो जो उनके मालिक हैं उन्होंने दुकान बंद करने को कहा कि चल दुकान बंद करके चल देते हैं। तो लड़का जैसे अपनी साइकिल से आ रहा था, घर पहुंचते जब पुलिस का और इनका फासला लगभग था 100 मीटर का, 100 मीटर से भी शायद कम ही था, और तो जब वो लड़का अपना अपने घर में गली को मुड़ रहा था, उसे देखा कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं उधर से दूसरी साइड से, तो देखते हैं ऐसे गुजर रहा, तो उसने सोचा कि मैं साइड में को निकल लूँ, कोने वाली गली में को निकल जाऊँ। जैसे वो वहाँ को निकला तो उसके पैर पे गोली लगी और वहीं गिर गया। उसने देखा क्लियर कि पुलिस गोली चला रही है। उसके बाद जब डॉक्टर के गए हॉस्पिटल, वहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे के बाद शादाब घर पहुँचे, कुछ लोग पड़ोस के वहाँ पड़ोस के लोग ले गए थे जी, हाँ, तो ये डॉक्टर के वहाँ गए, डॉक्टर ने वहाँ इसका इलाज कराया, पट्टी वट्टी बांधी, वहाँ से फिर इन्हें मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। इसी बीच में जैसे अपने बच्चे के इलाज के लिए इधर उधर घूम रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, घर में पैसा भी नहीं था,
तो लगभग 20 दिन बाद थाने से कुछ लोग आते हैं, 22 दिन बाद आए जी, 22 दिन बाद कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि थाने में आ जाइए और कुछ आपसे बात करनी है, आपके लड़के गोली वोली लगी है। तो इन्हें कह गए, थोड़ा डराया धमकाया, तो लोग ये लोग इनके बड़े छोटे भाई और ये थाने चले गए। थाने में इनसे पूछा, डायरेक्ट कहा कि तुम्हारा लड़का था वो? इन्होंने कहा जी हाँ, कि शुक्र मनाइए हम आपको छोड़ रहे हैं, वरना आपको भी और इस लड़के को भी जेल में डाल देते, बिना कुछ पूछे इनसे। ये इन्होंने क्लियर कहा और इन्होंने कहा जी हमारा कसूर क्या है कि कुछ नहीं है, बैठो और अपनी कुछ कागजी कार्रवाई की इन्होंने, अपने आप तहरीर लिखी है, FIR लिखी, आप लिखे जी उन्होंने, मैंने कुछ पढ़ के भी नहीं सुनाया उन्हें, कुछ बताया भी नहीं है कि इसमें क्या लिख रहे हैं। अगर इन्होंने विरोध कहा, उन्होंने कहा जब कि साइन कर दीजिए इस पर, तो इनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने कहा जी मैं साइन नहीं करूँगा, और अभी पहले मैं बता तो दीजिए कि क्या कर रहे हैं, कि नेता बन रहा है, पुलिस वाले के ये जवाब थे कि नेता बन रहा है वहाँ, जो हम कह रहे हैं वो कर। तो इन्होंने कहा, थोड़ा माहौल को देखते हुए इन्होंने बताया कि लड़के शादाब के पापा को आने दीजिए, वो साइन कर देंगे इसमें, वो कर देंगे। तो पुलिस वालों ने डर वहीं पे ऐसे मतलब घूरे इनकी तरफ को, आंख दिखाई ने बहुत तेज, तो सब लोग डर गए। जैसे इन्हें एहसास हो रहा था, जब इन्होंने बताया कि जैसे इनको भी अभी अंदर करने वाले हैं, अगर ये थोड़ा भी और कुछ बोले तो ये भी अंदर है, अपने घर नहीं जा सकते, वहाँ से डरे। पुलिस ने डरा धमका के इनके साइन कराए। अभी भी जब हम रास्ते में आ रहे थे, उनका फ़ोन आया, मुझसे नहीं साइन कराए जी, भैया से साइन कराए। और अभी भी जब हम रास्ते में आ रहे थे, उनका फ़ोन आया, अभी बार बार इन्हें कह रहे हैं कि कहाँ हो तुम, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, इस तरह का उनका जो बर्ताव है, बात करने का जो उनका तरीका है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल दिख रहा है कि वो डरा रहे हैं बिल्कुल जी। जी सरवट 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 जी सरवट है जी, जी महल्ले का नाम है जी सरवट जी, जी मदीना चौपले के पास पड़ता है जी, सरवट शादाब जी, शादाब शादाब जी,